दिल्ली के आनंद विहार जंक्शन के लिए रवाना होने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में अचानक से आग लग गई। आग उस समय लगी जब ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पर खड़ी थी। आग ट्रेन की G15 बोगी में लगी। इस ट्रेन को शाम 3 बजे आनंद विहार जंक्शन के लिए रवाना होना था। जानकारी के अनुसार ट्रेन में पहले एक कपलिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, इसे तुरंत ही काट कर हटा दिया गया, लेकिन अब तक आग का धुआं बोगी के अंदर घुस गया था। हालांकि इस दौरान बोगी में ज्यादा लोग नहीं थे, वहीं आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 1211 मुजफ्फरपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस को जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर प्लेस किया गया था। करीब 2:45 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। इसमें जाने वाले यात्री भी प्लेटफॉर्म पर आने लगे। बोगी के गेट को खोलने की तैयारी थी, इस बीच G15 बोगी से धुआं निकलने लगा। धुआं तेज होते ही प्लेटफॉर्म पर खड़े वेंडर को दिखाई दिया, उसने तुरंत रेल कर्मियों को सूचना दी। तब तक आग तेज हो चुकी थी, आग की लपटी ऊपर की ओर उठ रही थी। मामले में रेल कर्मी ने बताया कि आग लगने की सूचना पर RPF, GRP और अन्य रेल कर्मी मौके पर पहुंचे। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इस दौरान यात्री दहशत में आ गए। क्या हुआ था? आग लग गई थी 12:11 में G15 में। कैसे आग लगी थी, ये सूचना मिली, जानकारी मिली कैसे आग लगी थी? ये तो लगी कपलर से लगी थी, एसी कोच कपलर से, शॉर्ट सर्किट। कौन सा कोच में लगा था? G15 एसी था। क्या फिर कैसे, मतलब कुछ हताहत कोई लोग तो नहीं हुए इसमें? नहीं, कोई नुकसान तो नहीं हुआ अभी तक। गाड़ी चल अभी जाने वाली थी वो कोच का। हाँ, कितने बजे थे? 3:15 में। अभी सफाई हो रही थी। हाँ, उसी बीच में आग लगी। ट्रेन में आग लगने के बाद बाकी बोगी को काट कर हटाया गया। मामले में रेलकर्मी ने बताया कि एसी बोगी के कपलर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। बोगी को काट कर हटाया गया। ट्रेन 3:15 बजे रवाना हुई। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।